नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 30 स्टार्ट कर दिया। हेडिंग ऑन रोशनी का इनेकास, उर्दू में क्या कहते हैं? रोशनी का इनेकास। दिस इज आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक। किसके बाद इन्वर्टेड इमेज उल्टी लिखा हुआ है, अरे उल्टी इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी इमेज बनी, रिवर्स। देखिए रोशनी का इनेकास क्या है, ये बात हम जानते हैं कि रेज ऑफ लाइट जब किसी एक मीडियम से ट्रेवल करती हैं, दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं, तो दो बातें होती हैं। कुछ हिस्सा ऐसा होता है रोशनी का जो कि दूसरे मीडियम में चला जाता है, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि दूसरे मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, सेंड बैक हो जाता है, वापस पलट के आ जाता है। अब ये रोशनी वहाँ से बाहर से आ रही है, दीवारों से टकरा रही है, तो कुछ पार्ट इसका दीवारों के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। नहीं समझे बात को? तो रोशनी का वो हिस्सा जो कि किसी दूसरी सतह में जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। तफसील से गुफ्तगू अगले चैप्टर 14 में होगी। और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा टकरा कर, जिस तरह किरमिच की बॉल को जब आप फेंकते हैं दीवार पे तो टकरा कर वापस पलट आती है, इसी तरीके से रोशनी की किरणें का कुछ पार्ट जो है टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुन लें, रोशनी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पर टकराना और उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, सेंड बैक हो जाना, वापस असल मीडियम में आ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेकास। डेफिनेशन लिखें, when rays of light from one medium strikes, या स्ट्राइक का मतलब है टकराना, at the surface of the other medium then some part of light rays, रोशनी का कुछ हिस्सा sent back, वापस आ जाता है। sent back का मतलब वापस भेजा जाना, sent back to the first medium, sent back to the first medium, this phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यार इंक या आप भाग के जाए, हुज़ैफ़ा इंक लेकर आई ब्लैक वाली बोर्ड मार करके। ब्लैक ठीक है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आता रहता है, ठीक है। अभी हम इसकी टाइप्स पर डिस्कस करेंगे, लॉस को पहले डिस्कस कर लेंगे फिर टाइप्स को। ये जो रिफ्लेक्शन का अमल होता है ये दो लॉस के तहत होता है, दो कवानीन के तहत। हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
वो कौन से दो लोज है जिसके तहत ये होता है भाई? हेडिंग डाले फर्स्ट लो, पहला कानून तो बहुत आसान है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला कानून है। इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ थिंग। क्या मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिखें उसको। इस पर अभी बहस करते हैं कैसे। ठीक है भाई, एक मिनट आपके पास से लिख लेंगे। पहला कानून इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल नंबर 11 लैब में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रेज ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे हम लोग, कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे उस वक्त। तो पहला कानून क्या है बोलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो एंगल्स हैं, दो जावी हैं जो कि बराबर होंगे। पहला लो डायग्राम बनेगी भाई, डायग्राम बनाइए साफ सुथरी से, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ये आईना है, मिरर, प्लेन मिरर जो घरों में हर घर में की जरूरत है, हर घर में मौजूद है। इसकी एक सतह पॉलिश होती है, दूसरी सतह शाइनिंग होती है, ठीक है। आईना देखा है ना घरों में जो इस्तेमाल होता है, रोजाना ही लोग देखते हैं चेहरा। आईना मिरर, ये मिरर है, इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, दिस इज मिरर। अच्छा अब क्या होता है, इससे रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है, रोशनी की किरण, जब रे ऑफ लाइट आके इससे टकराती है, मिसाल पर ये टकराई, तो देखिए जिस पॉइंट से टकराती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सेंड बैक। पता है ना, अभी बताया कि रोशनी अब किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो कुछ पार्ट सेंड बैक हो जाता है, वापस अपने असल मीडियम में ही आ जाता है, हवा में। ये हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब ये होगा कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें इस तरह से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, और ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। नाम लिखते जाओ साथ साथ। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट, शुआए वाक है, इसे उर्दू में कहते हैं शुआए वाक है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, सेंड बैक हो गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड शुआए बुनकिस, उर्दू में कहते हैं शुआए, उर्दू में नहीं लिखिएगा आप, इंग्लिश में लिखिए शुआए बुनकिस। ये नुक्ता है वकू कहला, ये पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है दूसरे मीडियम की सतह से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उर्दू में कहते हैं नुक्ता है वकू, नुक्ता है वकू, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, इसको एन से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। उर्दू में से कहते हैं अमूदी खत, क्या अमूदी खत, अब आप और करें, जब रे ये इंसिडेंट जाके टकराएगी तो ये जो नॉर्मल लाइन है इसके साथ एक एंगल बनेगा और एक एंगल रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल लाइन के साथ बनेगा, दो एंगल हो गए, कितने दो। तो जो पहला एंगल है वो कहाँ पर होगा, देखिए फर्स्ट एंगल ये रहा, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आई से शो करते हैं इसे, ये एंगल का साइन, आई का मतलब इंसिडेंस, और एक एंगल यहाँ बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आर एंगल आर से शो करते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं एंगल आई को ताकि समझने में आसानी हो जाए, ये आपने बोल्ड कर दिया, देखा आपने, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर दोनों आपके सामने आ गए। अब कानून ये कह रहे हैं कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ, ये कानून, ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, ये पहला कानून है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। और ये कानून दोनों भी एक साइंटिस्ट ने दिए थे, उनका नाम भी इब्नुल हैतम था, क्या, ये कानून जिन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट किया इब्नुल हैतम ने, उन्होंने ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दिए, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाले सेकेंड लॉ, क्या हेडिंग होगी, आप देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है, बहुत आसान है वो, दूसरा लॉ ये कहता है के इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, किस पर होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। देखिए और से करें, इसको ज़रा समझ लें, मिसाल के तौर पर ये आपकी शुआ वाकई इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड है, ये एक प्लेन है ना, तो जो नॉर्मल लाइन है वो भी इसी प्लेन के ऊपर होगा, इस तरह से, ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल लाइन बाहर की तरफ हो जाए या अंदर की तरफ हो जाए, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर, बोर्ड के प्लेन के ऊपर जिस तरह नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह से होगी, या ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल आए या अंदर की तरफ हो जाए, यानी तीनों की तीनों चीज़ें एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, उनमें से कोई भी प्लेन से आउट नहीं होता। देखिए द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, इनमें से कोई भी प्लेन से आउट नहीं हो, नॉर्मल लाइन, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये तो दोनों कवानीन यहाँ पे मुकम्मल हो गए, फिर से सुन लें, अपने कवानीन दिए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो हैं वो, फर्स्ट लॉ क्या बयान करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, पहला कानून, दूसरा कानून कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होंगे, प्लेन से कोई भी आउट नहीं होगा, इज दैट क्लियर। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की टाइप्स है, एक कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दो पर बात करनी है, वापस हेडिंग डाले टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस,